देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9216 नए केस हुए दर्ज। ओमिक्रॉन से 2 लोग मिले पॉजिटिव। अगले 24 घंटे में बंगाल की खाड़ी तक पहुंच सकता है चक्रवाती तूफान जवाद। पाकिस्तान से आ रही हवा फैला रही प्रदूषण, सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार का तर्क। पीएम मोदी देहरादून में कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। ठंड की चपेट में उत्तराखंड केदारनाथ धाम समेत चोटियों पर बर्फबारी। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड बुलेटिन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिसंबर को देहरादून में हो रही रैली को दोपहर 1 बजे संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री 120 मेगावाट की व्यासी जल विद्युत परियोजना समेत 7 योजनाओं का लोकार्पण और 11 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। चुनावी बेला में मोदी की रैली से उत्साहित भाजपा इस मौके पर शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में है। रैली में आम जन की भागीदारी बढ़ाने को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से लेकर कार्यकर्ता जनसंपर्क अभियान चलाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही मिशन 2022 को ध्यान में रखकर रैली में 1.25 लाख व्यक्तियों को लाने का लक्ष्य रखा गया है। आम आदमी पार्टी ने लालकुआं नगर में रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन करते हुए चुनावी बिगुल फूंक दिया है। ये रैली सड़क की शहर की सड़कों से होते हुए घोड़ानाल बिंदु खत्ता में खत्म हुई, जहां विशाल सभा का आयोजन करते हुए आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी और विधायक दिनेश मोहनिया ने आम आदमी पार्टी की घोषणाओं को बताया। इस दौरान दिनेश मोहनिया ने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने काम करके दिखाया है, उसी तरह से उत्तराखंड में भी काम करके दिखाया जाएगा। दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड में भी अच्छी रोड, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी उपलब्ध कराई जाएगी। परिवर्तन होगा, अप्रत्याशित जो है रिजल्ट होंगे, लोगों को पता ही नहीं लगेगा कि क्या हुआ, क्योंकि लोगों को अभी पता ही नहीं है। दोनों पार्टियां ये समझती है कि आम आदमी पार्टी कुछ नहीं है, लेकिन वो गलत भ्रम में है, वो भ्रम उनका टूट जाएगा। जिस प्रकार के हमारा विजन है, आम आदमी पार्टी का जो स्पष्ट विजन है और गारंटी के साथ वो कह रहे हैं, तो उससे हमको लाभ होगा और जनता भी उस पर विश्वास करेगी। बिल्कुल दिल्ली की तरह यहाँ पे विकास हुआ, दिल्ली से भी यहाँ और ज्यादा विकास किया जा सकता है, ये मॉडल प्रदेश बनाया जा सकता है। दिल्ली मॉडल के बारे में बताया, उनके द्वारा जो भी भ्रष्टाचार उग्र के बारे में उसके बारे में डिटेल भी बताई गई और पूरे विजन को पार्टी के। वनाग्नि से जंगलों को बचाने की पदयात्रा आज दूसरे दिन बछेर, सोनला समेत कई जगह पर गोष्ठी और संवाद किया गया। घुड़सवार की सरपंच दीपा देवी ने कहा कि प्रशासन और जन सहयोग से ही इस पर काबू पाया जा सकता है। गोष्ठी में समाज सेविका मुन्नी पवार ने कहा कि अधिकतर जंगलों में आग असामाजिक तत्वों द्वारा लगाई जाती है। वहीं चुनोला की विजया देवी ने बताया कि उनके गांव चारों तरफ से चीड़ के जंगल से घिरा है, जब आग फैलती है तो उनके परिवार को जान माल का खतरा बना रहता है। गढ़वाल राइफल के 21वीं बटालियन के नायाब सूबेदार आनंद सिंह पुंडीर की हार्ट अटैक से मौत हो गई। ये घटना उस वक्त हुई जब वो लैंसडाउन में व्यायाम कर लौट रहे थे, जिसके बाद शहीद सैनिक को अलकनंदा नदी के किनारे गोमती प्रयाग में पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। शहीद सैनिक को अंतिम विदाई देने के लिए सैकड़ों की संख्या में क्षेत्रीय लोग मौजूद थे। इस दौरान लोगों ने नम आंखों से शहीद सैनिक को अंतिम विदाई दी। चमोली में बारिश के बाद कड़ाके की ठिठुरन बढ़ गई है। इससे एक बार फिर मौसम विभाग ने पूर्वानुमान सही साबित हुआ है। बता दें कि नीति माड़ा जैसे कई इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई। ठंड के बढ़ने से लोग अपने घरों में ही रह रहे हैं। बद्रीनाथ धाम की ऊंची चोटियों के साथ ही जोशीमठ के नीति माड़ा घाटी के गांवों में भी जमकर बर्फबारी हुई। वहीं जिले के विकास खंडों में भी रात भर हुई रिमझिम बारिश ने ठंड का प्रकोप बढ़ा दिया है, जिससे बचने के लिए लोग अलाव जलाकर ठिठुरन भगाने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए।
तो सर्दी की पहली बारिश भी हुई, साथ ही बर्फबारी भी देखने को मिली। चमोली से खबर सामने आ रही है, सर्दी की पहली बारिश ने ठिठुरन को बढ़ा दिया है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी भी हुई है और लोग अलाव जलाकर खुद को गर्म कर रखने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि कई जगह नीति माणा जैसे कई इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई है और ठंड के बढ़ने से लोग अपने घरों में ही रह रहे हैं। चंपावत के पहाड़ी क्षेत्र पाटी और लोहा घाट में आज सुबह से ही मौसम काफी ठंडा रहा, साथ ही हल्की बूंदाबांदी होने से और ज्यादा ठंड बढ़ गई है, जिससे आम आदमी का जीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। बढ़ती ठंड के चलते लोग अपने घरों से बहुत कम बाहर निकल रहे हैं, वहीं गर्म कपड़ों का सहारा आम जनों को लेना पड़ रहा है। हमने करवट बदल रखी है और यहाँ पे तेज बारिश होने की संभावना लग रही है, और अगर पहाड़ों में इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है कि जैसे बारिश तेज आ जाती है तो हमारे यहाँ लाइट की व्यवस्था भी नहीं है, लाइट एकदम ठप हो जाती है और पानी की व्यवस्था भी नहीं है, और यहाँ पे सड़क इतनी ख़राब हो रही है, विधायक के द्वारा यहाँ पे टाइल लगवाई जा रही है लेकिन यहाँ पे सड़क की व्यवस्था इतनी अस्त व्यस्त है कि यहाँ पे गाड़ियों के चलना और जो यहाँ पे लोग चल रहे हैं उनके लिए भी बहुत। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।